गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रामदास यादव। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बायोलॉजी स्टैंडर्ड 10 से लाइफ चैप्टर से आगे टॉपिक जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो स्टूडेंट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट मीन्स कीट मच्छी पौधे ना, दोज प्लांट्स हु कंज्यूम इंसेक्ट्स एंड दे ग्रो ऑन दोज एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विल बी लेस इन सॉइल। कीट मच्छी पौधे जो है वहाँ उस एरिया में उगते हैं जहाँ पर कि सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट कम होता है और वे फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं जैसे पिजर प्लांट, ड्रोसेरा, विनस फ्लाइट्रैप, ये सब हैं, वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनमें जैसे न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन है तो उसका फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है, तो वह उनमें कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती हैं जैसे पीचर लाइक स्ट्रक्चर, तो वह उसको क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि यह देख लीजिए स्टूडेंट्स, यह क्या है, पीचर प्लांट का है, पीचर प्लांट देखिए, पीचर प्लांट है, इसमें लीव्स भी पाए जाते हैं और यह ग्रीन लीव्स होती हैं, फोटोसिंथेसिस पर काम करती हैं। बट जब न्यूट्रिएंट का जो सफिशियंट अमाउंट नहीं मिलता है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे पीचर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे यहाँ पर लीव है, यहाँ पर जिरेटर समझ कर सकते हैं, तो इंसेक्ट्स जो है जब आते हैं क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, क्या होते हैं, कलरफुल स्ट्रक्चर होती हैं पीचर। और यहाँ पर इसके जो इंसेक्ट्स के जो लेग्स हैं वो क्या रहते हैं, स्टक आउट हो जाते हैं, यहाँ लिफ्ट बंद हो जाती है और यहाँ पर ये गिर जाती है नीचे, और यहाँ पर क्या है, डाइजेस्टिव जूस, क्या है, डाइजेस्टिव जूस, और यहाँ पर क्या रहते हैं, डाइजेस्ट जाते हैं और उससे जो है प्लांट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रिक्वायर्ड नहीं है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये लिप्स जो है फोटोसिंथेसिस पर काम करते हैं। ओके, तो अब एक दूसरा पौधा है जैसे वीनस फ्लाइट्रैप, तो इस तरह का जो है इसकी लिप्स हैं और इसकी लिप्स में जो है कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होती हैं, और यह जो है इसमें भी जिलेटिन स्ट्रक्चर होता है, जब ये भी कलरफुल होता है, ये भी कलरफुल होता है, फ्लाइट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जब यह इंसेक्टिस आता है तो यह क्या आते हैं, क्लोज जाएंगे और यहाँ पर डाइजेस्ट करता है, तो ये और इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब हम आगे देखेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देख लीजिए, पहला है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देख लीजिए हेट्रोज मीन्स होता है, क्या होता है, आकार, हेट्रोज मीन्स आकार, क्राफ्ट सिंपलर फूड्स, ऐसे जीव जो कि दूसरे ऑर्गेनिम्स से, दो ऑर्गेनिम्स विच टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिम्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरह के न्यूट्रिशन क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये फर्टर जो है आगे देखिए डिप्लॉयड हुआ है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड है सेप्टोफाइटिक या सेप्टोट्रॉफिक, नेक्स्ट है होलोजेक, होलोजेक न्यूट्रिशन, और आगे है सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। तो वन बाय वन हम देखेंगे फ्रेंड्स, पैरासिटिक क्या है, मीन्स परजीविता, जैसे क्या है, परजीवी मीन्स दो ऑर्गेनिम्स विच टेक देयर टेक कंप्लीट न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिम्स आर देयर आल्सो नोन एज मीन्स देयर होस्ट, मीन्स होस्ट आर द ऑर्गेनिम्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू अदर ऑर्गेनिम्स। तो देख लीजिए जैसे कि जिससे न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, और जो न्यूट्रिशन लेते हैं स्टूडेंट्स उन्हें क्या बोलते हैं, पैरासाइट, मतलब कि यह जो है पैरासाइट हैं, और यह इस दूसरे ऑर्गेनिम्स जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, होस्ट, और इसको बोलेंगे पैरासाइट।
तो अब देख लीजिए, जो पैरासाइट है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या है? एक्सटर्नल पैरासाइट, एक्सटर्नल और इक्टोपैरासाइट। एक्सटर्नल और इक्टोपैरासाइट, और दूसरा क्या है? इंटरनल और इंडोपैरासाइट। इंटरनल और इंडोपैरासाइट। तो एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि दूज ऑर्गेनिम्स विच टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रॉम आउटर साइड ऑफ द देयर होस्ट। मीन्स ऐसे जीव जो कि अपना न्यूट्रिशन होस्ट के बाहरी बॉडी से के बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल पैरासाइट या एक्टोपैरासाइट। तो प्लांट में क्या है स्टूडेंट्स? कास्कुटा, कास्कुटा या उसी का नाम है अमरबेल। यह प्लांट में है, आप देखेंगे कि एक क्लोरोप्लस स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लस नहीं होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, हल्की पीली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि झाड़ियों से लटकी रहती हैं, और उनमें क्या होता है एक तरीके से, या देखिए इस तरह का हास्टोरिया होता है, या हास्टोरिया चूसक जड़ी होती हैं और वो फ्लोएम में इंजेक्ट होती हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन लेती हैं। अब देखिए ये तो हो गया, उसके बाद एनिमल में क्या है? एनिमल में जैसे कि लाइस है, बेड बग है, मॉस्किटो है, या क्या है एनिमल्स के बॉडी के ऊपर आते हैं, उससे ब्लड सक करते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये हो गया एक्सटर्नल या बाहर से ना। अब इंटरनल में क्या है? इंटरनल में जो बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री के नाम में होते हैं, तो जैसे टेपवर्म है, लीवर टू एंड एस्केरिस, ये सब जो है, ये फीता क्रीमी है, ये एक्ट्रेस क्रीम है, एस्केरिस, ये सब देखिए जो पैरासाइट हैं वह जो होस्ट को क्या करते हैं? किल नहीं करते हैं, उन्होंने क्या करते हैं? उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं और उन्हें कमजोर बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पैरासिटिक। आप देख लीजिए स्टूडेंट, सेट्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेट्रोज मीन्स होता है, सेट्रोज मीन्स होता है स्टूडेंट डिकम्पोज या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि ये क्या है? फाइट मीन्स प्लांट या ऑर्गेनिक्स। तो ऐसे ऑर्गेनिक्स जो दो ऑर्गेनिक्स विच टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर नोन एज सेप्रोफाइट्स, एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें जो स्टूडेंट्स आता है ऑल फंगी, सभी फंगी हैं, सभी फंगस जो है, क्योंकि फंगी क्या है? प्लूरल है, फंगस क्या है? सिंगुलर। तो सभी फंगी क्या है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि ईस्ट है, ईस्ट ब्रेड मूल, मशरूम, जितने भी फंगस है, जैसे कि मशरूम है, कैक्टस है, इसमें जैसे कि यह क्या है, मशरूम है, यहाँ से जो है यह काउडंग है या ट्री ट्रंक है, तो यहाँ से एंजाइम सीक्रेट करते हैं और कॉम्प्लेक्स मैटर क्या कर देते हैं? सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर अपना उसको अब्जॉर्ब कर देते हैं। तो यह आपका हो गया सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप देख लीजिए स्टूडेंट नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है कि इसमें जो है जितने भी आगे से एडवांस टाइप का है, इसमें क्या होता है कि फूड इनटेक करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं फूड को, उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है। तो हायर एनिमल्स में होलोजोइक होता है, और इसका एग्जाम्पल जो सिंपल एग्जाम्पल है वह यूनिसेलुलर जो प्रोटोजोआंस हैं, अमीबा, पैरामीसेमिप्लीना, वह सब क्या करते हैं? शो करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब फाइव स्टेप्स में होते हैं, इनिगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इनिगेशन क्या? इनटेक ऑफ फूड। फिर डाइजेशन क्या है? डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस इनटू सिंपलर सबस्टेंस, डाइजेशन हो गया। एब्जॉर्प्शन क्या है कि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल सक इनटू द ब्लड स्ट्रीम या बॉडी फ्लूइड्स में जो एब्जॉर्प्शन, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एसिमिलेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, और उसको बोलते हैं सेल रिपेयर या सेल ग्रोथ में जो पार्टिसिपेट करता है न्यूट्रिएंट्स, उसे एसिमिलेशन हो गया। अब इजेशन क्या है? इजेशन मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल
the process of releasing removal releasing of undigested food material from the body is known as ingestion. अब नेक्स्ट है जो सिंबियोटिक. तो सिंबियोटिक में क्या है, तो सिंबियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बी डिफाइंड एज द एसोसिएशन ऑफ टू आर मोर ऑर्गेनिम्स बेनिफिटेड बाय ईच अदर. सिंबियोटिक में सहजीवन क्या है कि इसमें जो है दो या अधिक ऑर्गेनिम्स एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते होंगे. इस तरह के एसोसिएशन क्या बोलते हैं, सिंबियोटिक. तो इसमें जैसे क्या है कि राइजोबियम जो लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया है वह लेग्यूमिनस लेग्यूम्स में क्या है, तलानी फसलों के रूट में पाया जाता है, रूट नोड्स में, और वह मास्टिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में फिक्स करता है, और उस नाइट्रेट्स को क्या है प्लांट्स एडाप्ट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बदले में उसे स्टार्च प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं. अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल है लाइकेन. लाइकेन क्या है, एल्गा और फंगस का एसोसिएशन है. एल्गा उसको फूड प्रोवाइड करता है, फंगस क्या है वाटर एम्बुलेंस प्रोवाइड करता है. तो यह हो गया आपका सहजीवन, एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं. इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, सहजीवन, ये सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सिम्बियोसिस. ओके स्टूडेंट्स, तो यह आपका हो गया. इस वीडियो में आप देख लीजिए इंसेक्टिवोरस प्लांट पैरासिटिक सेरोफाइटिक प्रोजोइक और सिम्बियोटिक. अब आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन यू कंसर्न मेंशन कमेंट्स and also for. Thank you.